मेरा नाम है शोभा। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं गूगल में बिजनेस लिस्टिंग। बहुत लोग का पोस्ट रिजेक्ट हो जाता है, तो क्या रीज़न है आपके गूगल में बिजनेस लिस्टिंग में पोस्ट रिजेक्ट होने के लिए, क्यों वो पब्लिश नहीं होता है, तो इसके रीज़न के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आपके भी गूगल में बिजनेस लिस्टिंग में पोस्ट पब्लिश नहीं हो रहा, तो इस वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल के भी आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो के साथ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि गूगल में बिजनेस लिस्टिंग में पोस्ट का क्या यूज़ है। पोस्ट का यूज़ करके आप अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विसेज को डिस्प्ले करवाते हैं। आप वहाँ पे अपने कस्टमर को ये बताते हैं कि आपके बिजनेस से रिलेटेड क्या प्रोडक्ट नया लॉन्च हुआ है, या फिर नया सर्विसेज क्या आ रहा है, या फिर क्या आप ऐसा ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से पोस्ट जो होता है एक तरह का मीडियम होता है अपने कस्टमर से कम्युनिकेट करने का। आप यहाँ पे अपने ऑडियंस से कम्युनिकेशन टेक्स्ट, इमेज और वीडियो फॉर्मेट में कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि जब भी कोई कंटेंट टेक्स्ट या इमेज फॉर्मेट में आप पब्लिश करते हैं तो गूगल पहले ये चेक करता है कि आपका जो कंटेंट है वो आपके ऑडियंस के लिए रेलेवेंट होना चाहिए और ट्रूथफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी फेक न्यूज़ या फेक अपडेट आप वहाँ पर पब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि आपके गूगल में बिजनेस लिस्टिंग में पोस्ट क्यों रिजेक्ट हो जाता है। तो इसको समझने के लिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हम देखते हैं कि पोस्ट के रिजेक्शन का रीज़न क्या है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हम पोस्ट सेक्शन में आ चुके हैं। यहाँ पे हमारे बिजनेस रिलेटेड सारे पोस्ट यहाँ पे अपडेट है। तो कोई भी नया पोस्ट आपको अपडेट करना है तो इस आइकन पे क्लिक करना होगा, और इस आइकन पे जैसे क्लिक करते हो यहाँ पे मल्टीपल टाइप के आपको कंटेंट अपडेट करने के लिए शो कर रहा है। अगर आप कोविड रिलेटेड कोई अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ पर मैंशन कर सकते हो, ऑफर देना चाहते हो तो कर सकते हैं, या फिर आपके बिजनेस रिलेटेड कोई नया अपडेट है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे इमेज आपको चूज़ करना है। तो जब भी आप अपने गूगल पोस्ट के लिए इमेज को चूज़ करें तो इमेज चूज़ करते टाइम भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप इमेज चूज़ कर रहे हैं वो 720x540 पिक्सल का होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने गूगल पोस्ट में सही इमेज को चूज़ नहीं करते तब भी आपका गूगल पोस्ट डिस्प्ले नहीं होता या पब्लिश नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको अपने बिजनेस रिलेटेड कंटेंट को अपडेट करना है, लेकिन जब भी आप कंटेंट अपडेट कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप गैम्बलिंग गन या फिर कोई भी तंबाकू टाइप का इमेज या फिर कंटेंट यहाँ पे अपडेट नहीं कर सकते हैं। गूगल हमें एक क्लियरली इंस्ट्रक्शन देता है कि आप कोई भी हेटफुल या फिर इनएप्रोप्रिएट लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर सकते, या फिर ऐसे कंटेंट या इमेज या फिर वीडियो कोई भी फाइल हो आप उसको अपलोड नहीं कर सकते हैं। और सेकंड बात आती है कि जब भी आप अपने बिजनेस रिलेटेड कंटेंट यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको अपने बिजनेस रिलेटेड कंटेंट में कीवर्ड ज़रूर यूज़ करना चाहिए। ये सही बात है, लेकिन आपको कीवर्ड स्टफिंग नहीं करना चाहिए। जब भी आप अपने बिजनेस रिलेटेड यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट अपडेट कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि उस टेक्स्ट कंटेंट में आपको अपने फ़ोन नंबर नहीं मेंशन करना, ना ही किसी टाइप का यूआरएल आपको टेक्स्ट कंटेंट में मेंशन करना होता है, और ना ही आप कोई भी हैशटैग यूज़ कर सकते हैं, ना ही कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ आप टेक्स्ट कंटेंट में कर सकते हैं। क्योंकि इसके लिए नीचे में यहाँ पे आपको कॉल टू एक्शन का बटन मिलता है। तो अगर आपको अपने बिजनेस रिलेटेड फ़ोन नंबर ऐड करना है तो आप कॉल नाउ का बटन यूज़ करेंगे। तो जब भी कोई यूज़र कॉल नाउ बटन पे क्लिक करेगा तो वो आपके बिजनेस फ़ोन नंबर पे कॉल चला जाएगा। तो इसलिए आपको टेक्स्ट कंटेंट में अपने बिजनेस का फ़ोन नंबर ऐड नहीं करना चाहिए, और ना ही आप किसी टाइप का यूआरएल टेक्स्ट कंटेंट में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको यूआरएल कोई मेंशन करना है तो लर्न मोर का बटन चूज़ करेंगे, नीचे यहाँ पे आपको यूआरएल पेस्ट करने का ऑप्शन मिलता है। तो आप जिस भी वेबसाइट का यूआरएल देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसे मेंशन करके पब्लिश कर सकते हैं। और जो थर्ड बात आपको ध्यान रखने वाली है कि जब भी आप कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो पहले आपने कंटेंट अगर पब्लिश किया है तो सेम वही डुप्लीकेट कंटेंट को आप फिर से पब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से गूगल आपके पोस्ट को रिजेक्ट कर देता है। तो आप समझ गए कि आपको अपने गूगल में बिजनेस लिस्टिंग में पोस्ट अपडेट करते टाइम में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप आप इस वीडियो से समझ गए कि आपके गूगल में बिजनेस लिस्टिंग में आपका पोस्ट क्यों रिजेक्ट हो जाता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका पोस्ट पब्लिश होगा, वो कभी रिजेक्ट नहीं होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल के भी आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो के साथ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।